नाबुदू करीम अम्मा बाब फाउदबिल्लाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियाँ सैयद अली शाह पीर बाबा और आप देख रहे हैं अली रूहानी देसी दवाखाना। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और मेरे चैनल में उन लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं यहाँ खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाखैर ज़र्रा नवाजी है। दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पर मर्दानी की दवा दी जाती है। अगर कोई भाई हमारे मर्दानी की दवा मंगाना चाहते हैं तो दवा हम कोरियर करके भेज देंगे, चाहे किसी भी किस्म की मर्दानी की दवा चाहिए। और दोस्तों, हमारी दवा 18 साल से लेके 80 साल तक का आदमी खा सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर रूहानी इलाज भी होता है और हकीमी इलाज भी होता है, हम दोनों काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आपको वशीकरण के बारे में। बहुत ही उम्दा वशीकरण का अमल है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हो, मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हो और पागल करना चाहते हो, ये वशीकरण शौहर यानी कि पत्नी पति के लिए भी कर सकती है और पति पत्नी के लिए भी कर सकता है और कोई भी किसी के लिए कर सकता है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे रिश्तेदारों, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों वशीकरण के बारे में बताने के लिए। करना आपको ये है कि जिस आदमी से आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिस लड़के पे या लड़की पे, या लड़की करना चाहे किसी लड़के पे, या औरत करना चाहे किसी मर्द के ऊपर, पर दोस्तों जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ काम के लिए ना करें, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। करना यह है कि एक पीला साफ सा नींबू ले लें और उस नींबू के ऊपर काले वाले पेन से जिससे आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिखें और उस लड़की की माँ का नाम लिखें, और माँ का नाम पता ना हो तो हव्वा लिख दें। अगर लड़की की माँ का नाम पता ना हो, हव्वा लिख दें। लड़के का नाम पता ना हो, लड़के की अगर माँ का नाम पता ना हो तो उसके आखिर में हव्वा लिख दें। यानी पहले लड़की का नाम, उसके बाद लड़की की माँ का नाम, और लड़की की माँ का नाम पता नहीं है तो वहाँ हव्वा लिख दें, और लड़के का नाम लिखें, अगर लड़के का नाम माँ का पता नहीं है तो वहाँ भी हव्वा लिख सकते हैं। तो करना दोस्तों ये है, काले वाले पेन से लड़की का नाम लिखें, और कोई लड़का करना चाहता है लड़की का नाम लिखें और उसकी माँ का नाम लिखें। और दोस्तों, अगर कोई लड़की करना चाहती है तो वो अपना नाम लिखे और अपना माँ का नाम लिखे, तो ये चार नाम दोस्तों लिखे जाएंगे। उसके बाद उस नींबू को ले जाने के बाद में दोस्तों किसी पीपल की जड़ में उसको दबा दें, पीपल की जड़ में दबा दें, और पीपल की अगर जड़ ना हो, पीपल पास में ना हो, तो किसी भी कच्ची ज़मीन में दबा सकते हैं। और उसके ऊपर दोस्तों मिर्च यानी कि दो मिर्ची डालें सूखी पानी में, एक गिलास में, और वो पानी जहाँ नींबू आपने दावा है वो पानी, दो मिर्चें डालें पानी के अंदर, वो पानी उसके ऊपर डाल दें, और उसके बाद जिसका आपने वशीकरण करा है, जिसका नाम लिखा है, उसका नाम लें कि उस पर मेरा वशीकरण हो जाए और वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हो जाए और वो मुझसे बात करे, मेरे सिवा किसी को चैन ना आए, ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना लेटे चैन, और होम नवशाय गोकर वाला, ये वर्ल्ड बोलना है आपको दोस्तों सात बार। तो ये अमल मैंने आपको बता दिया है, और ये अमल अगर कोई भाई करना चाहते हैं, कोई मेरी माँ बहन कोई भी कर सकते हैं, सबके लिए इजाज़त है, किसी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी बिरादर के हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों हम हिंदुआती अमल भी बताते हैं और हमने मुसलमानी अमल भी बताए हैं।